हिंदुस्तानियों को रोकने का, वरना ये हिंदुस्तानी बहुत खतरनाक आदमी होता है, ज्वालामुखी है सभी सब, किसी को उजाड़ देगा सब। लेकिन यदि इनको धर्म के रास्ते पे ले जाया जाए तो ये ऐसा जंग है जो इस लोहे जैसे विशाल चीजों को खदड़ के रख देगा। तो अंग्रेजों ने यहां धर्म जैसे चीज को बो दिया, और इसके लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले पकड़ा हिंदुओं को कि तुम करो। बट यहां समस्या ये आ गई कि हिंदू लोगों में शिक्षा थोड़ा ज्यादा था, थोड़ा क्या, मुसलमानों की तुलना में बहुत ही ज्यादा था। शिक्षा की बात करेंगे तो ये 100 साल आगे हैं मुसलमानों से हिंदू लोग, शिक्षा के मैटर 100 साल, तनी मनी की बात नहीं कर। तो उसने देखा कि भाई हिंदू को अगर हम आगे करेंगे ना तो नहीं हो पाएगा सक्सेस, मुसलमान को आगे करने लायक है, क्योंकि इस सब में अभी उतना शिक्षा नहीं है, तुरंत आग बबूला हो जाएगा सब। ये नहीं देखेगा सब कि ना हमारे घर में कोई अधिकारी है, ना हमारे घर में कोई पुलिस है, ना अपनी सुरक्षा के लिए कोई हमारे पास हथियार है, ना हमारा घर है बढ़िया सा, कुछ नहीं। जहां कुछ हुआ लुंगी टाइट करेगा, अल्लाह अकबर, लुंगी में आग लग जाएगा तोरे, समझ में नहीं आता, तनीसा में ही आग बबूला हो जाता है। और भाषा में तो इनमें कुछ नहीं, भाषा ऐसा करेगा लोग जिसका कोई नहीं। हैदराबाद वाले को कहता है कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हम दिखा देंगे तुमको, हाँ कि नहीं। ये सब अल्दा फालतू फालतू बात थी, हमें इसका तबीयत खराब हो गया क्या, तबीयत खराब हो गया। जय 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 जय। तो अंग्रेजों ने किसको पकड़ लिया, मुसलमानों को। इसमें उसने मुसलमानों के लिए चालू किया मुस्लिम लीग, क्या चालू किया, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाया और उसने कहा कि देखो मुसलमानों के लिए एक अलग क्षेत्र होना चाहिए। और इसीलिए उसने बंगाल में क्या चालू किया, मुस्लिम लीग की स्थापना करा दिया गया 1906। उससे पहले 1905 में बंगाल का क्या करा दिया गया, विभाजन करा दिया, और बंगाल को कितनी भाग में बांट दिया, दो भाग में। कितने भाग में, दो भाग में बांट दिया, यहाँ पर दो भाग में, एक और कर दिया। अब बताइए, ये तो पूरब है, ये कौन सा है, पूरब है, तुम लोग इधर ध्यान देना। ये वाला कौन सा है, पूरा, ये वाला पश्चिम। तो कितने बंगाल बना दिए, दो, पूर्वी बंगाल और सर अनुराग ठाकुर का भाषा दिल्ली दंगा में क्या था। अरे यार छोड़, ये कौन है पूछ रहे, कौन है, मोहन अंसारी कौन, अरे भाई अंसारी साहब एक बात बताते हैं, सुनिए ध्यान से, हम सारे लोगों की बात बताते हैं, सारे लोग को हम कहते हैं। दुनिया का कोई भी झगड़ा 5 मिनट में हम 9 सॉल्व कर दे तब कहना, बसरते उस व्यक्ति को ये मत बोलो कि सामने वाले में क्या गलती है। आप जब दो लोग झगड़ा करने बैठे ना तो बस इतना कहो कि देख भैया हम अपनी पूरी गलती गिनवा रहे हैं, तुम अपनी कोई पूरी गलती गिनवाओ, जिसकी ज्यादा गलती होगी वो समझेंगे, हमरे में तुम इंटरफेयर मत करना कहीं पे भी। देखो यहाँ बाप बेटे में झगड़ा हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है, सास ससुर में, सास बहू में हो जाता है, सारे झगड़ा में सब ससुर, तुम ऐसा किया, तोरा गलती था, तुम यहाँ क्यों किया, तुम स्टार्ट किया, अरे चट्टा कहीं का, ये छोड़ तुम बस इसको रिवर्स करो, हमसे गलती हो गई, जब तुम गुस्सा में बोले तो हमें चुप हो जाना चाहिए था, हम भी उसी समय गुस्सा में बोल दिए, वो भी कहेगा कि नहीं हमको इतना तेज गुस्सा नहीं डांटना चाहिए, हम गलती कर दी, चोटा कहीं का तू अपन गिनना, सब झगड़े खत्म हो जाएगा, दूसरे का गिनेगा, तुम ऐसा मारे 20 जूता होश में आ जाएगा सर। सब इसको लगता है, सबको ये लगता है कि नहीं हम ही को दबाया जा रहा है, बाह रे भैया बाह, हम ही को दबाया जा रहा है यहाँ पे, कोई किसी को नहीं दबाता है, हम लोग खुद अपने लिए जिम्मेदार है। तो इधर इसने क्या कर दिया, पश्चिम बंगाल, और इधर क्या कर दिया, पूर्वी साइड में, पूर्वी बंगाल में इसने रख दिया मुस्लिम को ज्यादा। अंग्रेजों ने किसको ज्यादा रख दिया, मुस्लिम, और पश्चिम साइड में किसको ज्यादा रख दिया, हिंदू को ज्यादा रख दिया। किसको रखा, हिंदू को ज्यादा रखा। अब हो गया बवाल, यहां पे कौन है ज्यादा, मुस्लिम। अब यहां पे एक भाव हिंदू कम है। अब यहां माइनॉरिटी की एक खराबी ये है कि उसके साथ कुछ भी होगा ना तो उसको लगेगा कि हमारी संख्या कम है इसलिए दबाया जा रहा है, ये खराबी हो जाती है। अब यहाँ पे माइनॉरिटी कौन थे, मुस्लिम। अब यहाँ के मुस्लिम को ये लगने लगा कि हमारी संख्या कम है इसलिए हमको दबाया जा रहा है, अब वहां पे हिंदुओं को लगने लगा कि हमारी संख्या कम है हमको दबाया जाने लगा। अब अंग्रेजों ने कहा कि इसमें आग का घी, आग में घी का काम कौन करेगा, पता है, जो माइनॉरिटी है। एक काम करो, यहाँ पे जितने हिंदू लोग हैं, यहाँ पे क्या है, हिंदुओं की संख्या क्या है, कम है, हिंदुओं को थोड़ा सा भड़काओ ताकि ये आवाज उठा सके, और अगर इनके खिलाफ अगर कुछ होगा तो ये मुस्लिम इनको थूर देंगे। तो मुसलमानों ने क्या किया, यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया, मुसलमान में जो मस्जिद है उसमें सुअर काट के फेंक दिया, क्या काट के फेंक दिया, सुअर काट के फेंक दिया। यहाँ मुसलमानों की संख्या
जाते। आरोप लगा किस पर? हिंदुओं पर। थुरा कौन गया? बस थुरवाया कौन? अंग्रेज। लेकिन इनको ये मुसलमान लोग थूरने से पहले ये नहीं समझे कि चार बार बुला के बैठक कर ले। थूरने में क्या जाता है? आपको मन्ने था थूरने का तो थूर लेते, एक दिन बाद थूरते, एक दिन बुला के बैठक कर देते कि भैया तुमने ऐसा किया है, क्या कोई थर्ड पार्टी है? नहीं, क्योंकि जब धर्म का चश्मा पहनिएगा ना तो कुछ नहीं दिखता। थूर दिया यहाँ किसको? हिंदुओं को। संख्या कम थी, क्या कर रहे हैं? थुरा गए लोग। अब अंग्रेजों ने कहा बस एक काम करो, अब इधर बारी है, इधर संख्या किसकी कम है? मुसलमानों की। संख्या ज्यादा हिंदू की। यहाँ थुराया कौन है? हिंदू। ऑलरेडी हिंदू यहाँ पे भड़के हुए हैं, ठीक है। यहाँ कौन है? मुस्लिमों की संख्या कम। हिंदू गाय को पवित्र, सबसे पवित्र, हर एक भगवान उसमें वास करते, गाय का मीट काट के कहाँ फेंक दिया? मंदिर में। बस इनको तो पहले से आग लगल था, ये मियोए कैले होगा ये। पकड़ के किसको थूर दिया? मुसलमान को। बस लंदन से जो रिपोर्ट बन के आई थी आराम से चलने लगी यहाँ पर। अब बंगाल विभाजन, जिस बंगाल से अंग्रेजों को ये लगता था कि यहां से आजादी का बिगुल बजेगा, यहां से भारत माँ को आजाद कराया जाएगा, ये अंग्रेजों ने ऐसा जहर बोके गए सब कि भारत का सबसे बड़ा दंगा नोआखली दंगा बंगाल में हो गया। देखो हम लोग का ये है, और ये आज भी अंग्रेज चले गए हैं बट उन्होंने अपने वंशजों को छोड़ के गए हैं जो अभी संसद में निवास कर रहे हैं। समझना कि आज भी वो यही करते हैं, आज भी वो लोग क्या करते हैं? यही करते हैं। यहाँ पे तो बंगाल जो विभाजन किया गया था वो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चेतना को क्या किया गया था? समाप्त करने के लिए किया गया था। इस वजह से इधर वाला क्या कहलाया? पूर्वी बंगाल, जो आगे जाके क्या बन गया? पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर क्या बन गया? बांग्लादेश। लेकिन ये वाला जो था पश्चिम बंगाल, वो तो जस का तस रह गया। क्या हो गया? जस का तस। और वही क्या कहला जाता है? पश्चिम बंगाल। ये वाला बंगाल क्या है?